हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और नए अपडेट्स सबसे पहले पाने के लिए इस बेल बटन को दबाना न भूलें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। और दोस्तों, जैसा आप सभी को पता है कि हम आप सभी के लिए सीसस यूनिवर्सिटी मेरठ से तथा साकुम्भरी यूनिवर्सिटी सहारनपुर से संबंधित सभी जो महत्वपूर्ण जानकारियां तथा जो अपडेट होते हैं वो लेकर आते रहते हैं। तो आज फिर से एक नया वीडियो आप सभी के लिए लेकर आया हूँ। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मेरा आप लोगों से निवेदन है कि अगर आप सहारनपुर विश्वविद्यालय के किसी भी कॉलेज में पढ़ते हैं, यानी कि जो सहारनपुर विश्वविद्यालय से संबंध है, जैसे कि शामली के कॉलेज हैं, मुजफ्फरनगर के कॉलेज हैं या फिर सहारनपुर ज़िले के कॉलेज हैं, तो ऐसे छात्र हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप लोगों को हमारे चैनल पर साकुम्भरी यूनिवर्सिटी से जुड़े सभी छोटे बड़े अपडेट्स मिलते रहते हैं तथा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। तो दोस्तों, जैसा आप सभी को पता है कि माँ साकुम्भरी विश्वविद्यालय की पहली मेरिट लिस्ट यानी कि पीजी कोर्सेज की, जिसको आप प्रस्नातक भी बोल सकते हैं, उसकी जो पहली मेरिट लिस्ट है वो जारी हो चुकी है और जो उसके एडमिशन है वो आज से आपके शुरू हो गए हैं। तो यहाँ पर देखिए, न्यूज़पेपर में भी स्क्रीन पर यही लिखा हुआ है कि पहली मेरिट जो है वो जारी हो चुकी है और आज से प्रस्नातक पाठ्यक्रमों में दाखिले। तो आज इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलने वाली है, तो वीडियो को पूरा देखें तथा अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा नोटिफिकेशन बेल को ऑल नोटिफिकेशन पर सेट कर लीजिए, ताकि फ्यूचर में जब भी कोई वीडियो अपलोड किया जाए तो आपको सबसे पहले मिल जाए। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, सहारनपुर महाविद्यालय में संचालित प्रस्नातक यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन को पीजी भी कहा जाता है के पाठ्यक्रमों में सत्र 2022-23 के प्रवेश के लिए माँ साकुम्भरी विश्वविद्यालय ने पहली मेरिट लिस्ट रविवार को जारी कर दी है। पहली मेरिट लिस्ट को महाविद्यालय आज से सार्वजनिक कर दाखिले शुरू करेंगे। पहली मेरिट लिस्ट में दाखिले 10, 11 और 12 अक्टूबर को होंगे, यानी कि 10 अक्टूबर आज है, 11 और 12 सहित यहाँ पर 3 दिन के लिए जो है एडमिशन का समय दिया गया। आप 10 अक्टूबर, 11 अक्टूबर और 12 अक्टूबर को अपना जो एडमिशन है वो करा सकते हैं। विश्वविद्यालय के प्रवेश समन्वयक प्रोफेसर नरेश कुमार मलिक ने बताया कि प्रस्नातक पाठ्यक्रमों में LLM, MEd, MPed और BPed को छोड़कर जो अन्य कोर्सेज हैं उसमें सभी के जो है वो दाखिले लिए जाएंगे। और यहाँ पर उसके लिए विश्वविद्यालय वेबसाइट पर 8 जून 2022 से 5 अक्टूबर 2022 तक ऑनलाइन आवेदन किए गए हैं। पहली मेरिट लिस्ट 9 अक्टूबर रविवार को जारी कर दी गई है, जिसके अनुसार आपके जो एडमिशन है वो 10, 11 तथा 12 तारीख को होने सुनिश्चित हुए हैं और जो महाविद्यालय को ऑनलाइन प्रेक्षित की जा चुकी है। तो 3 दिन दाखिले के बाद जो भी सीटें शेष रह जाएगी उनके आधार पर दूसरी मेरिट लिस्ट जो है वो जारी की जाएगी और 16 अक्टूबर को जारी होगी दूसरी मेरिट लिस्ट, जिसके अनुसार 17, 18 तथा 19 अक्टूबर को जो है एडमिशन आपके कराए जाएंगे। ओपन मेरिट 30 अक्टूबर को जारी होगी। उन्होंने बताया कि जिस अभ्यर्थियों का नाम मेरिट लिस्ट में होगा उसी का एडमिशन जो है वो होगा, अन्य किसी भी छात्र का एडमिशन जो है वो नहीं होगा। तो यहाँ पर दोस्तों, अगर आपका पहली लिस्ट में नाम है तो आप 10, 11 तथा 12 अक्टूबर में अपना एडमिशन कन्फर्म करा लीजिए। अगर आप 10, 11 या फिर 12 में किसी भी डेट में अपना एडमिशन कंफर्म नहीं कराते हैं तो उस स्थिति में जो सीटें रिक्त रह जाती हैं उसके अनुसार दूसरी मेरिट लिस्ट जारी कर दी जाएगी। और अगर आपका दूसरी मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आता तो आपका एडमिशन नहीं होगा। अगर जिन छात्रों का पहली लिस्ट में नाम है वो पहली के अकॉर्डिंग अपना एडमिशन कन्फर्म करा लें। अगर आप एडमिशन कंफर्म नहीं कराते हैं तो दूसरी मेरिट लिस्ट में नाम आए या फिर नहीं आए उसका कंफर्म नहीं है। और जिन छात्रों का पहली लिस्ट में नाम नहीं आएगा और सीट रिक्त रह जाती है तो उनके लिए 16 अक्टूबर को दूसरी मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी, जिसके एडमिशन 17, 18 तथा 19 अक्टूबर को कराए जाएंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि आप लोगों को क्या करना है, अब अपनी मेरिट लिस्ट कॉलेज में जाकर देखनी है और उसके अनुसार अपने जो भी डॉक्यूमेंट आपको जमा करने हैं उसके अनुसार अपना एडमिशन करा लीजिए। फिर मिलेंगे आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। अन्य कोई भी समस्या हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपको पूरी पूरी सहायता करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। जय हिंद, वंदे मातरम।